भगवान शंकर के लिए ये क्यों कहा जाता है कि हर हर महादेव? ये जो हर हर जो शब्द इस्तेमाल होता है, इसका क्या पर्याय है? और इसी तरह से गुरुदेव एक बार बम भी बोलते हैं, बोल बम बम। तो ये जो शब्द पूरे जुड़ते हैं भगवान शंकर की आराधना में, तो इनके बारे में क्या रहस्य है? हर का मतलब होता हरण करने वाला, जो सारे दुखों का, सारे हमारी आपत्तियों का और हमारे संकटों का हरण कर ले, वो हर है, ये हरण कर लेता है। और महादेव तो है ही, सब देवताओं में सबसे बड़े भगवान शंकर हैं, और सब देव हैं, भगवान शंकर महादेव हैं, भगवान शंकर महाकाल हैं, भगवान शंकर का अवतार महावीर है, महा लगता है उनके साथ। हा जग एक वीर रघुवीरा, जब सीता जी को रावण ने उठाया तो सीता जी ने कहा कि दुनिया में एक ही वीर पैदा हुआ है और वो है रघुवीर, लेकिन वीर कहा उनको, राम को भी महावीर ने कहा। राम महावीर नहीं कहलाते, कहीं लिखा हुआ है महावीर? महावीर कौन है? हनुमान जी, क्योंकि शिव के अवतार हैं वो, शिव महादेव हैं और हनुमान जी उनके अवतार हैं, तो हनुमान जी महावीर हैं, वीरों में भी वीर हैं सारे के सारे। तो हर हर महादेव का मतलब होता है कि भगवान शंकर हरण करो हमारी तृप्ताओं का हरण, वहाँ सारा दुख व्याधि पाप सब चीज़ हरण हो जाते हैं। तो इसलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब ये जो शब्द है वम, वम शब्द कहीं भी वैदिक साहित्य में नहीं मिलता। वम और फट दो शब्द जो हैं ये बीज मंत्र हैं जो तंत्र में मिलते हैं। फट का शब्द तो फिर भी एक जगह मिल जाता है अथर्ववेद में, लेकिन वम कहीं नहीं मिलेगा। वैष्णव ग्रंथों में तो जब हम कहते हैं वम तो ऐसा लगता है कि कोई तांत्रिक रूप आ गया सारा इसका। तो भगवान शंकर की जो पत्नी है वो तंत्र की अधिष्ठात्री हैं, और वम और शब्द जो है वो सबसे बड़ा आदर्श। इस वम के शब्द को समझ लो जैसे आजकल बम है, ये वम शब्द जब फटता है ना संसार के अंदर तो विध्वंस कर देता है। बीज मंत्र है इसलिए इसके बीज के रूप में जाप होता है। इसको अगर खोल करके जाप करेंगे तो फट जाएगा, ऐसी एनर्जी निकल जाएगी, नाश हो जाएगा सबका। तो भगवान शंकर का जब यज्ञ चल रहा था दक्ष का, और दक्ष ने उनकी पत्नी का अपमान किया, तो भगवान शंकर ने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने जा करके उसका दक्ष का सिर काट करके यज्ञ में चढ़ा दिया। ऋषियों की दाढ़ियाँ नोच नोच करके यज्ञ में डाल दें। तो उन्होंने दो दो चार ऋषि जो थे बड़े बड़े, उन्होंने कृतिकाएँ पैदा की मंत्र से, भयंकर, जैसे काली का रूप होता है ऐसी कृतिकाएँ, वो लड़ गई उससे वीरभद्र से। वीरभद्र ने आकर शिव जी को बताया कि मैंने यज्ञ तो विध्वंस कर दिया, बदला तो ले लिया, लेकिन मुझे उन्होंने कृतिकाओं ने डरा दिया। तो भगवान शंकर गए वहाँ, अपना रूप सारा रुद्र रूप दिखाया, सारा उनका चक्कर है। तो वो जो दक्ष था उसका सर तो कट गया था, लेकिन सब ने कहा से दक्ष का यज्ञ पूरा करने के लिए इसको जीवित करो। तो भगवान ने क्या किया कि वहाँ बकरा एक पड़ा, जो बकरा मंगाया था ना बलि चढ़ाने के लिए, उस बकरे का सिर काट के और उसको दे दिया, और बकरा जो था बम बम बोलने लगा। तो भगवान शंकर के आराधना में कि जो भगवान शंकर जिसको दंड देते हैं उनकी आराधना करने के लिए, फिर जो प्रसन्न होते हैं उसी वाणी से प्रसन्न होते हैं, बोलो बकरे की तरह बोलो बम 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 बम। तो बम बम शब्द जो है भगवान शंकर को ज़्यादा पसंद है, इसलिए कि जिनको उन्होंने दंड दिया वो वही आवाज़ निकालता है बम बम के, तब यज्ञ पूरा हुआ उनका। वैसे तंत्र की, तंत्रों के भी अधिष्ठाता भगवान शंकर ही हैं, सारे तंत्रों को कील रखा है भगवान शंकर ने। जो लोग सप्तशती का पाठ करते हैं वो कीलक का जाप करते हैं कि बिना कीलन के, निष्कीलन के, यानी बिना उनको कीलिक मंत्र जो है उनको बिना बिना निष्कीलन किए हुए
कोई मंत्र सिद्ध हो ही नहीं सकता। तो चूंकि भगवान शंकर सारे मंत्रों को, जितने भी तंत्र हैं, उन तंत्रों को इन्होंने कील रखा है, मिस यूज ना कर ले कोई, तो इसलिए तंत्रों का जो बीज मंत्र है वम वम, ये बीज मंत्र है। तो बीज मंत्र की कोई व्याख्या नहीं होती, बीज मंत्र तो वो हैं जो विस्फोटक हैं, सारे एनर्जी को विस्फोट करने वाले हैं। तो इसलिए भी तंत्र की दृष्टि से वो तंत्रों वाला मंत्र, जो अपार शक्ति वाला मंत्र, भगवान शंकर को ही करते हैं, बम 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 बम, हर हर बम बम, हर हर बम बम।